परेशान है बेचारी, सबसे रोक रोक कर पूछ रही है कि 6 साल पहले किसी बच्ची को गंगा में बहाया था, उसके बारे में जानते हो क्या? अगर वो बच्ची डोरी हुई तो? नहीं नहीं, मैं मेरी डोरी के बिना तो मर ही जाऊंगा। मेरी डोरी मुझे तूने दी है मां, अब दी है तो वापस मत छीनना मां, वापस मत छीनना। डोरी डोरी चल 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 जल्दी उठ, बैग ले। आप भी माँ है संकटा मैया, एक माँ का दुख समझती हैं, मेरा दुख दूर कर दीजिए, मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए मैया, मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए मुझे। तो बिल्कुल भौकाल मचा दिए हो भाई गंगा प्रसाद, अब डायरेक्ट व्यापारियों से मिलके आ रहे हो, हैं? जी ओ राजा, हैं? अब पापा भी बुनकर बन गए हैं सत्तू, देखना डोरी के पापा बनारस के घाट और चाट की तरह मशहूर हो जाएंगे पूरी दुनिया में। खुश रहो बेटवा, संकटा मैया हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हें गंगा की बारात देखने का बहुत शौक था ना, तो देख लो दूल्हे की तरह सूट बूट में सजा हुआ है और पीछे बारात खड़ी हुई है। ये बेटवा, हमारे सपना कहीं टूट तो नहीं जाएगा ना? आखिरी बार खुशी तेरे माई के वक्त आई थी, पता नहीं चले बेटा कि वो खुशी के साथ कब कैसे गम के बादल छिप कर आ गए, और इतना बरस कि हमारी सारी खुशी को अपने साथ बहा कर लेकर चले गए। अब तो बेटा हंसने में मुस्कुराने में खुश रहने में भी डर लगता है। नानी,
ये डरने का नहीं हंसने का वक्त। आज खाने में मसालेदार तानून के साथ मीठी खीर बनाई है ना? नहीं, आलू प्याज के छिलके की सब्जी बनाई है। जो दोनों बाप बेटी दिख रहे हैं ना, बस वही है तुम्हारे निशाने पे। बाप दिव्यांग और बेटी छोटी चुहिया जैसी बच्ची। क्या करना है इन दोनों का? सपने तोड़ना है। उनका सीधा सीधा आकर आपसे बात करें अच्छा थोड़ी ना लगता है। नहीं, फिलहाल सौदे में हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस लड़की और इसके बाप से हम सीधा बात करेंगे। पर ऐसा सपना तोड़ना है कि दोबारा सपना देखना तो क्या, इस सोने से भी डर है। तब है उसके बाद नीलू मगई खाएगी और गंगा नहाएगी। मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। कलश में जानता हूं कि उस बुनकर बस्ती में जाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था, पर तुम गई। उस जगह से इतनी नफरत करते हुए भी तुमने अपना पांव वहां धरा। सच ही है, अच्छा बुरा और चाहे न चाहे, और उसके लिए जो तय किया है वो उसे करना ही पड़ता है। एक माँ होने का, सास का, दादी का, एक साड़ी बेचने वाली व्यापारी का भी धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया आज तक हमने। बस हमारे पत्नी धर्म की सीमा इस कमरे की चौखट के बाहर खत्म हो जाती है। इस कमरे में हमारे और आपके बीच जो लकीर है वो हमारे आत्मसम्मान, हमारे दिल में खींची हुई है। जिसे हम कभी पार नहीं कर सकते। कलाशी, अब इतना समय बीत गया है, अब तो भूल जाओ। कैसे भूल जाए अपनों के दिए हुए सब, आत्मा को लगते हैं जिंदगी भर नहीं भरते। और तुम्हारी नजर हर पल मुझे उन जख्मों की याद दिलाती है। कलाश, ये कोशिश तो पहले भी इसके बारे में बार बार हम बात कर चुके हैं ठाकुर साहब, और बार बार वही बात दोहराने से ना हमारा दर्द कम होगा और ना ही हमारा निर्णय बदलेगा। सच ही कहते हैं, अच्छा बुरा और चाहे ना चाहे
जो उसके लिए तय है वो तो उसे करना ही पड़ता है। और आदमी ये नहीं समझ पाता कि औरत माफ तो कर देती है पर भूलती नहीं कभी। साल पहले एक बच्ची को गंगा मैया में बहा दिया था किसी ने। क्या आपको उस बच्ची के बारे में कुछ पता है? तू भी औरों की तरह ही निकला रहे गंगा। तू ये सोच रहा है ना कि मैंने तुझे श्री गंगा प्रसाद जी कहकर क्यों नहीं बुलाया? अरे कैसे कहता, तूने श्री और जी लगवाने का हक खो दिया है। क्या मतलब है इसका? तूने कहा था ना कि तू डोरी को सारी खुशी देना चाहता है, पर आज जब उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसका परिवार देना था तो तूने मुंह मोड़ लिया। तो और क्या करता मैं? और ये भी तो पक्का नहीं है ना कि वही डोरी की माँ है। और नानी कहती है ना कि हमारे देश में न जाने कितनी बेटियों को रोज ऐसे ही बहा दिया करते, तो मेरी डोरी का परिवार कोई और भी हो सकता है। पर तेरे मन में तो चोर था, इसीलिए तूने सच जानने की कोशिश की ही नहीं। सच यही है जी कि डोरी मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है जी। और अगर यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी डोरी को मरने के लिए गंगा जी में बहा दिया था तो मैं ऐसे शैतानों को अपने दिल का टुकड़ा कैसे दे सकता हूँ? डोरी में मेरे प्राण बसते हैं जी, मेरी बच्ची है वो। और डोरी को सिर्फ मैंने पाला नहीं है, अपने प्यार और दुलार से सींचा है मैंने उसे, अपनी पलकों पर सजाया है उसे। उसकी एक एक मांग को मैंने अपने इस एक हाथ से पूरा किया है जी। उसकी एक एक हंसी को मैंने संगीत बनाया है जी। और अपनी डोरी को मैं किसी को भी दे दूं? किसी को? वो उसका परिवार है। तूने सोचा है अगर एक दिन उसके माँ बाबा तेरे सामने आ गए तो, और उन्होंने तुझसे डोरी को मांग लिया तो क्या तू डोरी को वापस नहीं लौटाएगा? नहीं लौटाऊंगा जी। कोई माँ बाप अपनी बच्ची को देता है किसी को कभी? डोरी, डोरी मेरा अस्तित्व है। डोरी नहीं है तो गंगा भी नहीं है जी। वाह, क्या दिल बहलाया तूने अपना गंगा। अरे डोरी कोई घाट पर पड़ा 100 का नोट है, जिसके हाथ में आ गया उसका हो गया। और तू डोरी को दे भी क्या सकता है? सब कुछ दूंगा जी मैं डोरी को। दुनिया की हर खुशी ढूंढ ढूंढ के उसके लिए लाऊंगा जी मैं। जुगनुओं को तारे बना के सजाऊंगा उसके लिए। पर मैं डोरी से अलग नहीं हूंगा। उसके लिए सब कुछ मैं हूं जी, और मेरे लिए सब कुछ वो है। मैं अपनी डोरी से अलग नहीं हूंगा जी। और इसके अलावा मुझे ना किसी और सच को जानने की जरूरत है और ना ही इच्छा है जी। और हाँ, अगर 100 का नोट होता तो मैं गंगा मैया को चढ़ा देता। और डोरी को तो खुद गंगा मैया ने वरदान बनाकर मुझे सौंपा है जी। मैं उसे अलग नहीं होना चाहता। और हाँ, अगर किसी को भी डोरी चाहिए ना तो वो खुद जाकर गंगा मैया से मांग सकता है। पर ये श्री गंगा प्रसाद जी खुद डोरी को तो किसी को भी नहीं देने वाला जी। मेरी बेटी है वो। पता है नानी,
बड़ा शोरूम था, वहाँ इतनी रोशनी थी, तेरी तो आंखें ही नहीं खुलती। इतनी नहीं, इतनी सारी साड़ियाँ थी वहाँ, और एक ठंडी हवा फेंकने वाला डब्बा लगा था वहाँ। तनी धागा दिखा, वो हरीर का। ए नानी क्या कर रही हो? वो ललका दिखा बेटा, ललका। हाउ दे हाउ हाउ हरी नूरी माई, ये तो बुझाते सब चांदी का है, हैं? अरे भगवान ही जाने की का कीमत होगी। अगर ये सब गलती से भी इधर इधर होएगा वा, ये कोई चोर चोरा के लेके चला गया, तब तो हम अपनी चमड़ी बेचकर भी इसको इसका इसका कर्ज ना चुका पाएंगे। यहाँ कोई चोर क्यों आएगा चोरी करने? तेरी बनाई हुई रोटी चबाने की हिम्मत सिर्फ डोरी में है। जब जब देखा तब पटर 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 पटर। अरे सुन, आफत अचोर न्योता देके ना आवत है, समझी? सोते ही छापा मार देंगे हम और सारा की सारा माल उठा लेना। आंख चाहे बंद हो लेकिन कान हमेशा खुला रखना चाहिए। पटर पटर भले ही बंद हो, कान हमेशा खुले रहने चाहिए। आंख भले ही बंद हो, कान हमेशा खुले रहने चाहिए। ये तो शोरूम जैसे ठंडी हवा आ रही है। शोरूम के ठंडे डब्बे जैसा है, पर ये यहाँ आया कैसे? बाबा, डोरी को ठंडी हवा लगेगी तो कितनी अच्छी नींद आएगी। आपने ये ठंडी हवा देने वाला डब्बा खुद बनाया है, पर काहे? क्योंकि मेरी डोरी पसीना बहाने के लिए नहीं, खुशियां बरसाने के लिए है। वाह, डोरी के बाबा जादूगर है। नहीं, मैं तो बस तेरा बाबा हूँ। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना डोरी। हम काहे छोड़ के जाएंगे? सत्तू कहता है डोरी बाबा का दिल है, जहाँ बाबा वहाँ डोरी। पर आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? नहीं मुनिया, कभी नहीं। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, पर तेरा ये बाबा अंधेरे में भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा।